एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे रुक करेंगे बड़ी खबर का। हरियाणा में क्या कुछ घट रहा है उससे संबंधित बड़ी खबर। इस बीच रुझानों में बीजेपी फिलहाल सबसे आगे बनी हुई है। हरियाणा में बीजेपी 30 सीटों पर अभी तक आगे है। देखिए 30 सीटें मात्र आगे है, जो 75 पार का दावा कर रहे थे वो 30 पर सिमट कर रह गए हैं अभी तक। और बीजेपी के 8 उम्मीदवार जीते। हरियाणा में कांग्रेस 27 सीटों पर है। देखिए अगर बीजेपी 30 पर है तो कांग्रेस 27 पर है। हरियाणा में अब तक कांग्रेस के 7 उम्मीदवार जीत चुके हैं। हरियाणा में जेजेपी की भी 5 सीटों पर कंफर्मेशन अभी आ चुकी है लगभग, और 5 उम्मीदवार कंफर्मेशन में है, और 5 जो उम्मीदवार है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। हरियाणा में 8 सीटों पर जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो भी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो रुझानों में सबसे आगे अभी तक बीजेपी बनी हुई है। यानी अब बीजेपी हर फॉर्मूले पर काम कर रही है। फिलहाल तो अमित शाह जो कि रणनीतिकार माने जाते हैं, जो कि चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के, और जन्मदिन के बाद में देखिए दिवाली से पहले पहले लगभग एक बड़ी जीत के जरिए तोहफा देना था, लेकिन यहाँ पर तोहफे की जगह कुछ और ही हो गया, और ये चिंता का विषय इस वक्त बीजेपी के लिए बना हुआ है। इसलिए एक तरफ दिल्ली में हलचलें लगातार चल रही हैं। अमित शाह ने बैठक बुलाई है, अमित शाह ने सीधे सीएम को तलब किया है, वहां पर बैठक चल रही है, और आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, प्लान एबीसी तैयार किया जा रहा है, किन किन सिचुएशन में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए भूपेंद्र हुड्डा बड़े एक्टिव हो गए, मीडिया में आकर तमाम बयानबाजियां कर रहे हैं। विक्ट्री सिंबल अपनी तरफ से अपने बेटे के साथ में अपनी बालकनी से दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और अब बीजेपी को घेरने का बड़ा अच्छा मौका उनके पास मिला, क्योंकि देखिए हाल ही में भी आपको याद होगा मुख्यमंत्री का एक बयान था कि एक मुख्यमंत्री ऑलरेडी जेल में है, दूसरा जाने की तैयारी में है। अब ऐसे में हुड्डा साहब के लिए राहत की सांस इसलिए है कि जो उन्हें बार बार पिछले चुनाव से लेकर अब तक जेल में जाएंगे की बात कही जा रही थी, वो भूपेंद्र हुड्डा अब कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में आएंगे, क्योंकि बीजेपी की जो लगातार स्थिति थी मजबूती के साथ में, उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा था, और लगातार कांग्रेस दबाव में थी। शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में जिस तरह से आनी चाहिए थी, विपक्ष की उस भूमिका में नजर ही नहीं आई। एक तो कांग्रेस के अपने अंतर्कलह लगातार चलते रहे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कांग्रेस के अंतर्कलह एंड में ही सही लेकिन आकर खत्म हो गए, जब अशोक तंवर पार्टी से चले जाते हैं। आखिरकार भूपेंद्र हुड्डा की जो राहों का रोड़ा था वो सबसे पहले खुद ब खुद ही हट गया। क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने क्या कुछ बोला, उससे इतर हटकर अब कहीं ना कहीं अब इसको एक्सीडेंटल जीत मान लीजिए, या जिस भी तरह से आपको लेना है आप मान सकते हैं, लेकिन ये जीत फिलहाल भूपेंद्र हुड्डा को स्ट्रांग करेगी, और बहुत हद तक स्ट्रांग करेगी। क्योंकि अभी तक देखिए पिछले चुनाव की अगर बात करते हैं, अशोक तंवर जब थे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, तब लोकसभा का चुनाव निकला, पिछले विधानसभा का चुनाव निकला, उपचुनाव निकला, वहां पर कांग्रेस की बड़ी बुरी हालत रही। लेकिन जैसे ही कमान भूपेंद्र हुड्डा के पास आती है, कुमारी सैलजा के पास आती है, तुरंत से ये बढ़त कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव सिंबल है, और कांग्रेस इसमें बेहद खुश नजर आ रही है। जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास जो सीट थी वो भी हाथ से निकल गई, वो अब वापस आ चुकी है। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं, और देखिए क्योंकि चर्चा लगातार चल रही थी, इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है दीपक राय जी कि अभी आगे बीजेपी करेगी क्या, क्योंकि अभी प्लान्स पे काम करना होगा। आप देखिए महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर भी अब टेंशन तो बढ़ रही है, क्योंकि आप शिवसेना के साथ में, और हम सुबह से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जब शिवसेना बार्गेनिंग पर आती है तो बीजेपी को झुकना पड़ता है हमेशा, और वैसी सिचुएशन अब महाराष्ट्र में होगी। हरियाणा की अगर बात करते हैं, यहां पर भी क्योंकि अभी तक हंग असेंबली नजर आ रही है, यहां पर भी अगर आप किसी का, चाहे आप इंडिपेंडेंट का साथ लें, चाहे आप जेजेपी का साथ लें, जिसके भी साथ जाकर आप सरकार बनाते हैं, वहां पर भी आपको झुकना पड़ेगा। और जब गठबंधन की सरकार होती है तो बार्गेनिंग तो चलती रहती है। नहीं देखिए, इस इलेक्शन रिजल्ट से ये तो क्लियर है कि बीजेपी को डेंट लगा है इनके बेस में। आप दोनों जगह देखिए, हरियाणा में तो बहुत क्लियर डेंट है, मतलब 50% तक इनका जो है रिजेक्ट किया है पब्लिक ने, और इसी तरह वहाँ पे भी महाराष्ट्र में भी है। आप देखिए उसमें एनसीपी उभर के आई है, फिर ये भी इनकी जो शिवसेना है वो भी स्ट्रांग उसमें आई है, लेकिन बीजेपी कम हुई है। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, इस पर इनको काम करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सोचते थे कि हम जीत लेंगे 370 और ह्यूस्टन और मोदी, ये सब तो जब तक लोकल इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाएगा, जनता से कनेक्ट नहीं किया, जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाएगा, तब तक जनता नकारती रहेगी। ये बहुत स्ट्रांग सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, तो सबको इससे सबक लेना होगा और आगे इस तरह से काम करना होगा। मिश्रा जी, अगर देखें यहाँ पर, अगर महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना अगर यहाँ पर, क्योंकि हार्ड बार्गेनिंग करेगी, और हार्ड बार्गेनिंग में सीधे तौर पर डिप्टी सीएम का पद मांगा जाएगा आदित्य ठाकरे के लिए, एकलौता चेहरा, और पहली बार आए हैं, ढाई साल के लिए सीएम के पद मांगा जा रहा है सीधे तौर पर। अब ये मान लें कि 5 साल अगर सरकार चलती भी है ढाई ढाई साल के फॉर्मूले पे, हालांकि बीजेपी राजी होगी नहीं, क्या कोई और फॉर्मूला निकलता है क्या यहां पर? एनसीपी जैसे पहले शरद पवार पहले तैयार हो गए थे कि हम बाहर से समर्थन दे देंगे, क्या अब लगता है कि 5 साल जिस तरीके से सरकार ने उन्हें परेशान किया, आप शरद पवार ये तैयार होंगे कि हम बाहर से आपको समर्थन दें? देखिए शिवसेना को अगर आप सेंटर में रख के देखिए तो शिवसेना की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है,
शिवसेना के लिए इस वक्त बाला साहब ठाकरे के बाद इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट है कि उनके दबदबा को कायम रखा जाए, इसीलिए आदित्य ठाकरे को एक्टिव पॉलिटिक्स में जो है उछाला गया है और शिवसेना ये चाहेगी कि मुख्यमंत्री उनका हो। थोड़ा सा ये रिजल्ट और फेवर में आ जाए और शिवसेना के और फेवर में ये आ जाए तो वहां पे क्या होगा ना, देखिए यहाँ पे फिर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हॉबी हो जाएंगी पॉलिटिक्स के ऊपर। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है कि जब बीजेपी महबूबा मुफ्ती से हाथ मिला सकती है और सपा बसपा से हाथ मिला सकती है और शिवसेना को यह केवल आश्वासन मिल जाए कि 5 साल तक मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे रहेंगे सिर्फ इस एवज में कि बीजेपी को बाहर रखा जाए, तो कोई जरूरी नहीं है कि शिवसेना ना जाए। शिवसेना बाहर से भी समर्थन ले सकती है, जैसे कांग्रेस ने देखिए हरियाणा में 12 बजे ही समर्थन दे दिया कि जी हम इनको समर्थन देते हैं, ये है वो है जो है। विपक्ष का रोल ये है कि बीजेपी को कैसे भी करके सत्ता में बाहर रखा जाए, चाहे 10 लोग क्यों नहीं इकट्ठे हों, जैसे कर्नाटक में हुआ था। तो अगर शिवसेना को ये लगेगा कि थोड़ी सी भी सीटें लेके आप एनसीपी या इन सब चीजों से लेकर के अगर 5 साल के लिए आदित्य को जो है मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो वो डेफिनेटली, मतलब आपका कहने का ये है कि बीजेपी और शिवसेना और इधर एनसीपी कांग्रेस हम देख रहे हैं सुबह तक समीकरण बदल नहीं, देखिए सुबह तक शिवसेना चुप थी, ये बात ये कर रही थी कि ठीक है मुख्यमंत्री उनका बनेगा बीजेपी का। जैसे ही रिजल्ट फेवर में आया शिवसेना ने आंखें तरेनी अपने तेवर बदल दिए, 50-50 पे आ गए और अभी उन्होंने बोला नहीं है लेकिन छुपा हुआ जो है संदेश यह है कि पहले 2.5 सालों में हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अगर ये बीजेपी के लिए ये मानना मतलब आप समझ लो कि जहर का घूंट पीने के बराबर होगा, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री कोई और बन गया तो पब्लिक में लेटेंट या इनडायरेक्ट मैसेज ये जाएगा कि भाई बीजेपी हार गई। ठीक है, मैसेज तो यही जाएगा ना कि बीजेपी झुक गई जो कभी झुकती नहीं थी। तो हो सकता है बीजेपी न माने, और बीजेपी न माने तो शिवसेना देखिएगा हो सकता है कल तक या आज रात तक ही डेवलपमेंट हो जाए कि शिवसेना क्लियरली बोल दे कि अगर बीजेपी ये शर्त मानती है कि 2.5 साल पहले हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, नहीं तो नहीं, नहीं तो हम दूसरे निर्दलीय इन लोगों से हाथ मिला रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, सबसे बड़ा लोकतंत्र की हत्या या नुकसान क्या होता है जब हंग जो है इस तरीके से आता है, होता यह है कि अब एक इलेक्शन खत्म हो गया, जनता के डिसीजन चूंकि जनता ने हंग दिया है तो अब ये सारा का सारा खेल चला जाता है राजनेताओं के हाथ में, पार्टियों के हाथ में, ट्विस्ट करते हैं और अपने फेवर के लिए लेते हैं, वहां पे जनता की भावनाओं का कोई कदर नहीं होता है। और अभी देखिएगा ये सरकार इतने जल्दी नहीं बनने ही, 1-2 दिन में मुख्यमंत्री डिसाइड हो जाएगा, ये 10 दिन तक चलेगा और वो सारी चीजें होंगी जैसे कर्नाटका और दूसरी जगहों पर होता था। कोई और ऑप्शन बचेगा क्या बीजेपी के पास? बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बीजेपी के पास सबसे सेफ ऑप्शन ये है कि कैसे भी वो शिवसेना को मनाए, मतलब विन विन की अगर हम बोले, बीजेपी के पास ये भी एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि दरिया दिल दिखाते हुए, बड़े भाई वाला दरिया दिल दिखाते हुए कुछ ऐसा बोल करके आदित्य को वो मुख्यमंत्री बनाए जिसमें दोनों पार्टियों की लाज बच जाएगी। शिवसेना का नेचर मुझे पता है, दे आर वेरी एग्रेसिव। अगर वो देखिए शिवसेना को बहुत परेशान भी किया गया है, शिवसेना ने सीटों के बंटवारे पे बोला था कि प्लीज आप 50-50 कर लीजिए, जब शिवसेना हाथ जोड़ के बोल रही थी तो बीजेपी वाले नहीं माने, तो अब शिवसेना क्यों मानेगी अगर वो इस पोजीशन में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत हावी हो जाएंगी पार्टी चाहे बीजेपी। ये बताइए लोकतंत्र के लिए ये नतीजे अभी कितना सही है? नहीं, लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल गड़बड़ है, उसके पीछे रीजन है। देखिए लोकतंत्र का असली फायदा तब होता है जब क्लियर कट मैंडेट मिले किसी गवर्नमेंट को बिना डिस्प्यूट के दूसरे दिन, ताकि गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, 2-3 दिन में गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए। वो हुआ नहीं, वो नहीं होने के कारण क्या होगा, अब चुनाव में जो मुद्दे थे जिन्होंने जो किए थे वो सब पीछे रह गए, मैनिफेस्टो वगैरह पीछे रह गया, अब तो पर्सनल मुद्दे और राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे चलेंगे। मतलब मैनिफेस्टो उनका अपना होगा? मैनिफेस्टो उनका अपना नहीं होगा, अब ये बड़ा एक प्रेशर वाला मैनिफेस्टो होगा। जेजेपी बोलेगी कि हमें ये दोगे तब हम आपको समर्थन, मतलब मेरे कहने का वही पार्टी का, लाइक जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, पार्टी का अपना पर्सनल मैनिफेस्टो होगा, पर्सनल नफा और नुकसान देख करके वो अब एक नया मैनिफेस्टो हिडन वे में जो है ओपन होगा। और यही चीजें दिक्कत करेंगी लोगों के लिए भी, जनता के लिए बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल की काम है। बीच बीच में खबर आती रहेगी, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, सरकार फिर संकट में आ गई, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, तो वो डेवलपमेंट और यूनिफाइड वे में डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। तो आपको क्या लग रहा है बीजेपी ने कहां चूक छोड़ी? देखिए मैं आपको बताऊं, माइक्रो पल्स जो होता है ना, पहला गलती जो बीजेपी की थी वो धीरे धीरे करके लोगों ने ऐसा समझ लिया था कि जब तक मोदी जी हैं तब तक कुछ सोचने की जरूरत नहीं है,
और जब तक चाणक्य यानी अमित शाह जी जैसे जो है स्ट्रेटजिस्ट बैठे हैं तो सारी चीजें पॉसिबल है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने काम तो किया लेकिन बहुत सी चीजों को, जब क्या होता है ना, जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में होते हो तो बहुत सी चीजों को इग्नोर कर देते हो। आप मुझे ये बताइए, पूरे हरियाणा स्टेट में हरियाणा का एक भी मुद्दा आपने नहीं उठाया, आपने अपनी एक भी अचीवमेंट नहीं बताई जो है, ये कैसे पॉसिबल है? स्टेट लेवल का इलेक्शन एक इंपॉर्टेंट इलेक्शन होता है, ठीक है, नेशनल मुद्दे भी होते हैं, देश और प्रदेश को अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो एक ही तरीके से आपने फोकस कर दिया वो चीज एक बहुत मुश्किल जो है बीजेपी के लिए। बिल्कुल दीपक जी, अगर देखें महाराष्ट्र के सिलसिले में, अगर यहाँ पर देखें, शिवसेना से पहले गठबंधन कर लिया और ये गठबंधन कहीं ना कहीं, जब आप गठबंधन कर लेते हैं कुछ सीटें आप शिवसेना को दे दिए, उसने और कुछ सीटों पर बीजेपी लड़ी, 140 के आसपास सीटों पर बीजेपी लड़ी। जब आप कम सीटों पर लड़ेंगे तो आप कम सीटों पर जीतेंगे भी, रेशियो देखें तो कमी का ही आएगा। क्या ये गठबंधन बाद में किया जाता तो बेहतर नहीं होता, या बीजेपी के पास ऑप्शन नहीं था? नहीं, दोनों ने अपने स्ट्रांग करने की कोशिश की, उसी का नतीजा उस समय नहीं हो पाया। तो आज ये है कि अब क्या हो रहा है कि दोनों पार्टियां बहुत स्ट्रांग है, शिवसेना भी बहुत स्ट्रांग है, अब शिवसेना का एक मौका मिल गया कि बीजेपी से ऊपर आ गई वो, और वो कनेक्ट करें हरियाणा के रिजल्ट से भी। आप देखिए, केवल महाराष्ट्र में इलेक्शन होता तब तो कोई इतना, लेकिन वो उन्होंने कनेक्ट कर लिया हरियाणा, जहाँ पे हरियाणा पे बीजेपी हालत बहुत खराब हो गई, जो एक्सपेक्टेड था कि 75, आज वो मतलब ऑलमोस्ट करिए 50% पे आ गए। अच्छा, तो उसकी वजह से महाराष्ट्र में जो उसको बहुत ताकत मिली। अगर जब बिगुल फूका गया था, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी रेवाड़ी पहुंचे थे, इस बार भी फिर से वही राष्ट्रवाद की बात ही, क्योंकि सेना के जवान हरियाणा में बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे में वहां पर ये राष्ट्रवाद की भावना इस बार कोई भी कंपन पैदा नहीं कर पाई, कोई करंट लोगों में पैदा नहीं कर पाई। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि जो पहले 2.5 साल में हरियाणा के अंदर जो होता रहा, जो घटता रहा, वो चाहे जाट आंदोलन की बात हो, राम रहीम प्रकरण हो, क्या इन तमाम पहलुओं के कारण लोगों के मन में जो गुस्सा था वो धीरे 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 पनपता रहा और आखिरकार लोगों ने बदलाव लिया? क्या आप भी इस बात को मानते हैं? हाँ, एकदम सर। आप देखिए, जो लोकल इश्यूज थे, जैसे आप देखिए किसानों की समस्या थी, एम्प्लॉयमेंट की समस्या थी, तो इन सबको सॉल्व नहीं किया गया, इनको निग्लेक्ट करते रहे। अब कोई भी बात, अगर कोई भी आदमी कहता था नहीं साहब रोजगार की बात कीजिए, तो वो राष्ट्र विरोधी हो गया और राष्ट्रवाद से हट गया। आम आदमी कोई बात की ना, पक्ष मतलब सत्ता पक्ष भी नहीं जुड़ा पब्लिक से, ना विपक्ष भी जुड़ा। और जनता के पास सबसे बड़ी, जनता के पास अगर कोई भी सब्स्टिट्यूट मिल जाता है तो उसको वो करती है। तो सबसे बड़े विपक्ष का भी कोई आदमी ऐसा नहीं खड़ा हुआ कि जनता उसको चुन के लाती। अगर वो कोई खड़ा होता और उसको कन्विंस करने की ताकत होनी चाहिए थी। आज देखिए, आप केजरीवाल जी की बात कीजिए, जब अन्ना जी आए तो उस समय लोगों में गुस्सा थी, अरविंद केजरीवाल जो बोलते थे लोग समझते थे करके ही रहेंगे, तो आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जिता के लाया। तो उस तरह का जो जेस्चर होना चाहिए था किसी सीनियर लीडर से विपक्ष के, वो चीज अगर होता तो आज 100% जो है कांग्रेस। मिश्रा जी, अगर देखें कि महाराष्ट्र और हरियाणा इन दोनों चुनावों को देखें, और इसमें भी हरियाणा के चुनावों के नतीजों को अगर देखें, आने वाले दिल्ली के अंदर चुनाव होंगे और दिल्ली के चुनावों में हरियाणा के चुनावों का कितना असर पड़ेगा और बीजेपी को कितना बड़ा दूरगामी प्रभाव होगा इस, देखिए, और एक चैन रिएक्शन शुरू होगा, उसके पीछे रीजन है। बीजेपी अभी जो लीड कर रही थी और विपक्ष वाले बैकफुट पे थे, आप इमेजिन करिए अब डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता या कहीं भी पब्लिक में क्या बोलेंगे, आप मुझे बताइए, जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं, या तो बीजेपी इतने कम समय में कोई दूसरा माहौल, कोई दूसरा वेव क्रिएट कर दे, वो दूसरी चीज है। तो ये पहला स्टेप होगा कि बीजेपी को जानबूझ के अपना मुंह बंद करना पड़ेगा, पहली चीज। उनके पास जवाब नहीं रहेगा, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, मनोबल डाउन होता चला जाएगा, विपक्ष का मन जो है बहुत ऊपर हो जाएगा, जिसके कारण उनके कार्यकर्ता जो है वो बड़े एनर्जेटिक हो जाएंगे। लोगों को लगेगा दिल्ली में और बिहार में और झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं, वहां सत्ता पक्ष के लोगों का यानी बीजेपी के लोगों का जो है मूड जो है, जो मोराल है, वो लो होगा और विपक्ष का हाई होगा, तो वो और तेजी से काम करेंगे और इसका विपक्ष के लिए बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा। अभी देखिएगा, सारे अभी तक विपक्ष के प्रवक्ता नहीं आ रहे थे, कल से आप देखिए, कहना चाह रहा था कि लोकसभा के साथ बंद किया था, बैन किया था और अब आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, ये विपक्ष की गलती थी, बिल्कुल, हाँ, ये विपक्ष की गलती थी। विपक्ष को अपने प्रवक्ता बंद नहीं करने चाहिए थे, मैं बार बार इस चीज का विरोध करता था। अगर विपक्ष के प्रवक्ता आते रहते तो आज रिजल्ट कहीं कुछ और होता विपक्ष के फेवर में। अब यही चीज हो रहा है कि बीजेपी के लोगों ने प्रवक्ताओं को बोलने से मना किया है कि भाई संयमित होके बोलो, मे बी पॉसिबल कि कुछ दिनों के लिए बोल दे मत जाइए। बिल्कुल, तो अब गेम ये टोटली चेंज हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा चेंज होगा कि बीजेपी पूरे अपने 6 साल के जो उनका एजेंडा था, जो आइडियोलॉजी थी, जो स्ट्रेटजिक उनका जो वे आउट था, लुक आउट था, उसको ये चेंज करेगी। बीजेपी अब की बार चिंतन नहीं करेगी, अब की बार चिंता करेगी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश राजस्थान हार गए, इसके बाद अब हरियाणा और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में बड़ी सरकार बने लेकिन हरियाणा की ये चेन रिएक्शन अगर शुरू हो गई, ये ट्रेंड शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक होगा।
नहीं बिल्कुल, मैंने आपको बोला चिंतन नहीं, चिंता करना चाहिए बीजेपी, बीजेपी को अगर आगे उनको इम्प्रूव करना है और इसका असर क्या पड़ेगा। लेकिन एके मिश्रा जी, एक बार एक चीज देखी गई है कि ये झटके हमेशा लगते हैं बीजेपी को। आप देखिए 2014 का चुनाव जीतते हैं, फिर दिल्ली के अंदर क्या होता है, वहां पर आपको मुक्की खानी पड़ती है, फिर आप फिर से जागते हैं, आप फिर से आते हैं लेवल में कि आपको जनता के बीच रहना पड़ेगा, फिर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, यहाँ पर भी आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे लेकिन यहाँ पर आपको मुक्की खानी पड़ती है। ये सबके साथ होता है। देखिए एमपी वगैरह के लिए जो इलेक्शंस हुए थे उसके लिए उतना झटका सेटबैक नहीं लगा था, लेकिन इस चीज से अभी और महाराष्ट्र में जो अंतर कलह बीजेपी और शिवसेना में शुरू होगी ना, वो इनको डेफिनेटली चिंतित करेगा, बीजेपी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मैं यहां पर रोकूंगा, एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, सपा के खाते में अब 3 सीटें हो गई है और बसपा से यह सीट छीन ली है। जलालपुर सीट है, छाया वर्मा सुबह से लीड कर रही थी लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने इस सीट को छीन लिया है, बसपा के छाया वर्मा को शिकस्त दे दी है और सपा के सुभाष राय ने यहां पर छाया वर्मा को हरा दिया है। ये सपा का कमबैक है अगर सीधे तौर पर देखें मनोज जी। सपा का एक सीट से 3 पहुंच जाना, बसपा से एक सीट छीन लेना और एक सीट छीन लेना बीजेपी से, बसपा से खासतौर से जब पूरी मेहनत सिर्फ रामपुर में लगाई हो, और बसपा हमेशा इस बात को कहती रही कि गठबंधन से हम लोगों के क्योंकि आप हमारा फायदा ले रहे थे, यहां तो सपा ने बसपा की सीट छीन ली है। यही बात अभी आपके डिबेट में थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि दरअसल उत्तर प्रदेश की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत विपक्ष सपा होगी और सपा आगे की रणनीति तय करेगी, उसको एक अच्छी एनर्जी मिल गई है। और क्योंकि 17 में सरकार भी 17 तक अखिलेश यादव की थी, उससे फिर योगी जीत के आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो नुकसान उनका 2019 के लोकसभा में हुआ था उसकी भरपाई उनको थोड़ा बहुत तो कम से कम एनर्जी मिली। दूसरी बात मैं पूजा जी आपसे बताना चाहूंगा, जो अभी मिश्रा जी कह रहे थे महाराष्ट्र की गणित में, जब भी खंडित जनादेश मिलता है तो बहुत सारी संभावनाओं पे विचार किया जाता है। शिवसेना भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना करे लेकिन उसको एक बात की तकलीफ है, खलीस हमेशा थी कि शिवसेना ए पार्टी थी और वो कहीं ना कहीं बी पार्टी बीजेपी थी। बिल्कुल, अब वो इस बात का पूरा फायदा उठाएगी और आदित्य ठाकरे के जरिए उसको एक मौका मिला। बाकी देखिए अगर हम बात कर ले पवार की, बात कर ले कांग्रेस की, अन्य की बात कर ले, तो पवार से दूरी ना तो शिवसेना की है और ना ही पवार से दूरी का बीजेपी को भी है, तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। चूंकि हिंदुत्व तो एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कट्टर कहीं ना कहीं सोच शिवसेना की भी है और उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी भी है, भले उसकी सोच लिबरल हो, तो इनको हरियाणा तो चिंता का विषय है ही है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा सोचना पड़ेगा। भले ये गठबंधन से जीत रहे हैं, भले ही दोनों मिलकर सरकार बना ले, लेकिन ये 5 की जो सरकार होगी पिछली फडणवीस की सरकार से बहुत इतर होगी। दूसरा जो भी बात हम कांग्रेस की बाकी पार्टी कह रहे थे, अगर कांग्रेस हरियाणा में जो निर्णय अंत में ली, चाहे वो हुड्डा का हो चाहे मैडम को, अगर वो निर्णय 3-4 महीने पहले ले लेती और इनकी जो केंद्रीय कलह थी जिसमें सोनिया जी, राहुल जी, बाकी लोग थे, अगर इसको सुलझा लेते तो आज पूरी मेजोरिटी में कांग्रेस हरियाणा में होती। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन मैं इसमें आपसे डिफर करूंगा साहब। अगर मान लो ये हालात पहले होते तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी रिसेंटली चुनाव हारे हैं, समेत पुत्र सह परिवार हारे हैं, आप कैसे कह सकते हैं आप इस बात को? अभी हालात बने हैं, उस हालात में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत की जीत नहीं है, उसके केंद्रीय नेतृत्व में कोई जोर नहीं लगाया, केवल एक बेनिफिट उसको कह सकते हैं कि उसको फ्री हैंड दिया कि भी आप टिकट बांटिए, जाट नेता होना भी हो सकता है उनके लिए। और हरियाणा के अंदर जो जीत भारतीय जनता उसको मिली है कांग्रेस को, उसको आप जातीय जीत कह सकते हैं? आप उसको मेहनत की जीत नहीं कह सकते? अभी जो भाई साहब कह रहे थे कि भी अगर जब मान लो विपक्ष के लोग यदि आते नहीं, तो निश्चित रूप से और बढ़िया जीत हो सकती थी, इसमें कोई शक नहीं है। जाट टोटरों को ना मैं जाट टोटरों को नजरअंदाज कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। आपने पूरी बात सुनी नहीं मेरी? जी कहिए, आप पूरी बात तो सुन लीजिए। हुड्डा को कम से कम लोग इस बात पे विकास के नाम पे जानते थे, जिस तरीके शीला दीक्षित को लोग दिल्ली में जानते थे। हारना जीतना अलग बात हो गई, लेकिन कम से कम कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी इतनी अच्छी स्थिति होगी। यही मैं कह रहा हूँ, इसी बात को आपको मैं इसी बात को ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप ये कह रहे भाई यदि ये हालात चुनाव से पहले हो जाते, लोकसभा से चुनाव से पहले, अगर ये हालात चुनाव से ये जो बदलाव था यदि ये लोकसभा से चुनाव से पहले हो जाता और दोनों बाबू बेटा हार जाते,
ये 100 की 100 सीट भाजपा को चली जाती तो ये परिणाम नहीं आता जो आज ये परिणाम आया। एक ही मिश्रा, मेरा ये कहना है अब कम से कम समाजवादी पार्टी भी अब मेहनत करनी शुरू करेगी। नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं के बाद थोड़ी गुंजाइश है, भाई साहब की बात से सहमत हूं कि भी विपक्ष के लोगों को सरेंडर नहीं करना चाहिए, ज्यादा उतना नजर नहीं है जितना कि उनको नजर आना चाहिए था। ये हरियाणा और महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो सारे कंफर्म जीत चुके हैं। एक और अपडेट पहले बता देते हैं दर्शकों की, कंफर्म हो चुका है गणेश आपला किलो से जीत चुके हैं, 58,000 वोटों से हर छोटे बड़े। मिश्रा जी, एक मिश्रा जी एक मिनट सुनिएगा, अगर 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 लोकसभा के चुनाव की बात करें तो मायावती को 11 सीटें जो उपचुनाव हो रहा था इसमें उनको 5 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन लोकसभा का चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में फर्क होता है। विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं, नेता का जो वहां पार्टी प्रत्याशी होता है उसका खुद का व्यक्तित्व होता है, बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं और हुड्डा को नजरअंदाज नहीं कर सकते इस जीत में। देखिए मैं आपको बताऊं, जो आपने अभी मैम सवाल पूछा था, ये जो 11 सीटों पे यूपी में चुनाव हुए हैं उसके बेस पे समाजवादी पार्टी को जो है कोई डिसीजन नहीं लेना। नहीं, जो अभी नतीजे आए हैं, अभी जो दो स्टेट के नतीजे आए हैं, विपक्ष के हर छोटी बड़ी पार्टी को ये संजीवनी का काम करेगा। बहुत सारा अभी देखिएगा, कल से ही या आज शाम से ही इन लोगों के टीवी पे भाषण बाइट वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, डिबेट में जाने शुरू हो जाएंगे और ये लोग एकदम एनर्जेटिक हो गए हैं, लोग आना शुरू कर दिए हैं, लोगों के फेसबुक एक्टिविटी वगैरह बढ़ गई है सोशल मीडिया। और दूसरी चीज ये है कि अब विपक्ष बहुत तेजी से काम करेगी तो बीजेपी के लिए चुनौती और कठिन होती चली जाएगी, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को इनकैश करेगी कि भाई आपने काम नहीं किया, आपने काम नहीं किया, और बीजेपी जब भी बोलेगी कि हमने काम किया तो वो बोलेंगे तो फिर आप चुनाव क्यों हार गए। राजनीति में तो यही होता है, भले ही किसी ने बहुत काम किया लेकिन अगर आप हार या जीत गए तो वही सर्टिफिकेट होता है। बिल्कुल मनोज मिश्रा जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि देखिए हम सुबह से लगातार चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में अभी तक यही निकल कर सामने आया कि अब वाकई बीजेपी को सोचना भी पड़ेगा और चिंता करनी पड़ेगी। हरियाणा में 8 सीटों पर अन्य लगातार आगे हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस 24 सीटों पर आगे, आपको बता दें कि हरियाणा में अब तक कांग्रेस 10 उम्मीदवार वहां पर कांग्रेस के जीत गए लेकिन रणदीप सुरजेवाला हार गए हैं। इसके अलावा कुछ और बड़े नाम हैं जिनकी हार की हम आपको बता रहे, कैप्टन अभिमन्यु हारे हुए हैं। सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, उसमें से 6 पर बीजेपी जीत चुकी है, डिक्लेयर हो चुका है। 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी डिक्लेयर हो चुकी है जीत। 1 पर कांग्रेस पहले आगे चल रही थी, समाजवादी पार्टी ने उसकी सीट छीन ली। बहुजन समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी, बहुजन समाज पार्टी उसकी भी सीट छीन ली है। समाजवादी पार्टी ने दोनों एक एक सीटें दोनों से छीन ली है। अब सीधे तौर पर 6 पर बीजेपी, 3 पर सपा। आए हरियाणा पे, हरियाणा में बेहद दिलचस्प यहां पर अब नतीजे सामने आए हैं और नतीजों को अगर देखें जो अब तक डिक्लेयर हो चुके हैं, 13 पर बीजेपी जीत चुकी है, 10 पर कांग्रेस, 5 पर जेजेपी और 2 पर अदर्स है। यानी कि कुल मिलाकर यहां पर हंग असेंबली दिखाई देती है। महाराष्ट्र की बात करें 288 सीटों के रुझानों में और अभी नतीजों की अगर खासतौर से बात करें तो बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन के नतीजों की अगर बात करें, 31 सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं जो कि जीती हैं। इसके अलावा कांग्रेस एनसीपी की 20 सीटों पर जीत हो चुकी है और अन्य के खाते में 2 गई है। ये नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं, रुझान सुबह से दिखा रहे थे और अब नतीजों की अगर बात करें तो यहां पर दोनों ही स्टेट में, हरियाणा में हंग असेंबली की तरफ इशारा जाता है तो महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का यहां पर सरकार तो बनती है लेकिन यहां पर तमाम, क्योंकि शिवसेना जरूर यहां पर हार्ड बार्गेनिंग करेगी और हार्ड बार्गेनिंग में ये बदल सकती है नतीजे, यानी कि सरकार किसके बनेगी यहां पर, ये जरूर बदलाव इक्वेशन में बदलाव जरूर दिखाई देगा। तो ये 3 स्टेट की हम आपको नतीजे दिखा रहे हैं। इसके अलावा एक और आपको खबर दे दे कि पूर्वोत्तर राज्य की अगर बात करें, सिक्किम में 3 सीटों पर आज उपचुनाव हुए थे और इन उपचुनावों में 3 में से गैंगटॉक और रुमटेक जो सीट है ये बीजेपी ने जीती है। दरअसल ये ऐतिहासिक जीत है,
ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने कोई भी सीट नहीं जीती थी और यहां पर दो सीटें बाई इलेक्शन में निकालनी बीजेपी ने राम माधव को यहां पर जिम्मेदारी दी गई थी और राम माधव के रणनीति की वजह से यहां पर दो सीटें बीजेपी के खाते में आई है। तो लगभग ये आज यहां पर नतीजा रहा। हरियाणा पर सबसे ज्यादा सबकी नजर आ रही है क्योंकि हरियाणा में उम्मीद 75 पार की बीजेपी को थी और यहां पर अभी बीजेपी की अगर देखें रुझानों के हिसाब से और नतीजों के हिसाब से देखें लगभग 35-40 सीटों पर सिमट कर रह रही है। इसके अलावा वहां पर कांग्रेस की भी इतनी ही बात है, लगभग बराबर बराबर पर चल रहे हैं और किंग मेकर की सिचुएशन में यहां पर अब जेजेपी नजर आ रही है, दुष्यंत चौटाला अब किंग मेकर बनकर नजर आने। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी हम लगातार चर्चा को आगे जारी रखेंगे और तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं बस।